आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसके लिए आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे 100%। क्योंकि अगर अभी भी कोई स्टूडेंट रिवीजन नहीं कर रहे हैं, अपने घर में अगर खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे, लिख कर तैयारी नहीं कर रहे, तो समझिए कि वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे। अभी भी समय है, अभी भी वक्त है। एवरी डे कम से कम आप पांचों सब्जेक्ट को एक एक घंटे भी अगर आप तैयारी करते हो, जिस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 नंबर वाले क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन, इन सभी के कैटेगरी वाइज अगर आप घर में तैयारी करते हो, चाहे किसी भी किताब से, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास न्यू गेस्ट पेपर हो, कोई भी पुराना गेस्ट पेपर हो, कोई भी पुराना क्वेश्चन बैंक हो, किसी से भी अगर आप तैयारी करते हो तो 100% आपको सफलता मिलेगी। याद रखिएगा, क्योंकि यही 2 से 1.5 महीने का जो समय होता है ना, इसमें स्टूडेंट अगर जोर दोर से अगर मेहनत कर दे तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट ले आते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, मेरी बातों को समझिएगा। तो चलिए, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, यहां पर आपको वर्मा के साथ साथ क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि जैक बोर्ड ने साफ साफ कह दिया था कि ज्यादा क्वेश्चन आपका जो JCERT के द्वारा क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है उसमें से ही दिया जाएगा, तो उसको क्यों भूलेंगे, उसके क्वेश्चन तो हम लोग सारे करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर पहला क्वेश्चन क्या आपका, भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं कौन सी है। जब भी आपसे अगर ये मुख्य अगर यहां पर वर्ड रहे और शाखाएं पूछे भूगोल का, तो यही उत्तर लिखिएगा। पहला जो शाखा है वो आपका क्रमबद्ध भूगोल, दूसरा आपका प्रादेशिक भूगोल। दोनों में अगर अंतर आपको आंकना है तो ध्यान से समझिएगा। क्रमबद्ध का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में, जैसे कि उसके जल के बारे में, साथ ही साथ उसके स्थल के बारे में और दूसरे क्षेत्र के बारे में भूगोल की जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी क्रम के अनुसार, पहले जल के बारे में, फिर स्थल के बारे में, फिर क्षेत्र के बारे में। लेकिन प्रादेशिक भूगोल में क्या होता है, पूरे एरिया के बारे में ही एक ही बार सारा अध्ययन करते हैं। तो यही होता है दोनों के बीच में अंतर, मुख्य शाखाएँ हैं। अगर मुख्य नहीं रहे तो फिर क्या उत्तर लिखना है, आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, उस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, नहीं तो आंसर आप यही मार दीजिएगा तो 2 नंबर कट जाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मानव भूगोल के 6 विभिन्न क्षेत्रों का उल्लेख करें। अब यहाँ पर देखिए, मानव भूगोल के 6 क्षेत्र के बारे में उल्लेख करने के लिए बोल रहा है। क्षेत्र समझते हो ना, देखिए यहाँ पर क्या क्या है, पहला सामाजिक भूगोल क्षेत्र, दूसरा नगरीय भूगोल क्षेत्र, तीसरा राजनीतिक भूगोल क्षेत्र, चौथा जनसंख्या भूगोल क्षेत्र, पांचवा आवास भूगोल क्षेत्र, छठा आर्थिक भूगोल क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्षेत्र के बारे में पूछे तो ये आंसर आप लिख सकते हो। आगे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मानव भूगोल के उपागमों का नाम लिखे। अब उपागम क्या होता है, इसमें कैटेगरी वाइज भूगोल का अध्ययन करते हैं, उसी को उपागम बोला गया है। ठीक है, देखिए वर्ड इसके बारे में बहुत अजीब डिफिनेशन है, बुक में या कहीं भी इंटरनेट में सर्च करोगे, लेकिन मैं चाहता हूं आपको समझ में आए, तब ना आप एग्जाम में कुछ भी लिख पाओगे, ताकि खाली पेपर नहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो वही चीज़ है, जैसे कि अनवेंशन और विवरण। अनवेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे साइंस वाला कैटेगरी होता है जिसमें वैज्ञानिक लोग कुछ खोज करते हैं, तो वो वाला है। ठीक है, प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, साथ ही साथ आपका मानवतावादी या फिर आमूलवादी विचारधारा, ये सारे क्या है, मानव भूगोल के उपागम है। आगे देखिए, 4th नंबर, आर्थिक भूगोल के 6 उपक्षेत्र कौन से है। आर्थिक का मतलब पैसा कौड़ी से रिलेटेड, जिसमें अर्थव्यवस्था बनती है। पहला आपका संसाधन भूगोल, दूसरा आपका कृषि भूगोल, तीसरा आपका उद्योग भूगोल। इन सभी में क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था आती है ना, पैसे आते हैं, तो वही आर्थिक भूगोल के बारे में पूछा गया है। 6 उपक्षेत्र के बारे में बताना है, तो संसाधन भूगोल हो गया, कृषि भूगोल हो गया, उद्योग भूगोल हो गया, विपणन भूगोल, ये भी आपका व्यापार से रिलेटेड है, यहाँ पर भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। पांचवा आपका पर्यटन भूगोल, जैसे कि कोई पर्यटन स्थल है, वहाँ पर आप टिकट देकर घूमने के लिए जाते हो, वो भी तो अर्थव्यवस्था वाला है ना। जैसे कोई ऐतिहासिक जगह देखने के लिए जाते हो, तो वही चीज़। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ये सारे क्या आपका आर्थिक भूगोल के 6 उपक्षेत्र हैं, जिसको आप लिख सकते हो। आगे देखिए, 5 नंबर, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिएगा, ताकि मैं और इसमें इम्प्रूवमेंट करूँ। ठीक है, वीडियो में अच्छे से मैं समझा पाऊँ। 5 नंबर देखिए, नवनीतिवाद से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर है, प्रकृति ने मानव को विकास के भरपूर अवसर प्रदान किए हैं, परंतु मानव इनका एक सीमा तक प्रयोग कर सकता है। यानी इसका कहना है, इस विचारधारा में, कि मनुष्य प्रकृति का उपयोग कर सकता है अपने विकास के लिए, अपने अवसर के लिए, लेकिन इतना ही उपयोग कर सकता है जिससे प्रकृति का नाश ना हो, क्योंकि मनुष्य और प्रकृति दोनों एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
है ना। अगर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रकृति का नाश कर दे तो भी मनुष्यों का ही हरास होगा, मनुष्यों का ही यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ बोला गया है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। इतना आपको प्रकृति का यूज करना है जिससे पूरे पर्यावरण में किसी तरीके से नुकसान ना हो, यानी मानव इनका एक सीमा तक ही प्रयोग कर सकता है, उससे अगर पार करता है तो नुकसान होगा पर्यावरण को। और इसलिए संभववाद पर कई विद्वानों ने आलोचना भी की है, इस पर कई विद्वानों ने इसको गलत ठहराया। ग्रिफिथ टेलर ने इस आलोचना द्वारा नवनियतिवाद की विचारधारा प्रस्तुत की है और इसके अनुसार भूगोलवेत्ता का कार्य एक परामर्शदाता है, ना कि प्रकृति की आलोचना करना है। यह निश्चयवाद संभावनावाद में एक मध्यम वर्ग है, इसे रुको और जाओ नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। वही चीज़ देखिए, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आएगा ना, इतना लिख दीजिएगा, अगर प्रकृति नहीं रहेगा तो हम लोग फैक्ट्री में सामान कैसे बना पाएंगे? तो फैक्ट्री बना तो विकास हुआ एक तरीके से, टेबल कुर्सी वगैरह सारा कुछ बना तो एक तरीके से विकास ही ना हुआ, लेकिन एक सीमा तक इसका उपयोग करना है, यही आपका नवनियतिवाद है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए छठा नंबर, जीन्स ब्रून्स द्वारा बताए गए मानव भूगोल के 6 प्रकारों के आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर मृदा के अनुपादक व्यवसाय से संबंधित तथ्य, पहला मकान, दूसरा सड़कें, अब वनस्पति और जीव जगत से संबंधित, तो देखिए यहाँ पर कृषि है और आपका पशुपालन है, इसके बाद मृदा तथा पशुपालन के विनाशकारी उपभोग से संबंधित, पौधों और पशुओं का विनाश, खनिजों का अवशोषण, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर, अमूल्यवादी यानी रेडिकल विचारधारा क्या है? ये एक विचारधारा है, विचारधारा क्या होता है यहाँ पर समझ जाइएगा। अमूल्यवादी के विचारधारा, देखिए कहीं पर अगर रेडिकल भी रहे या फिर यही रहे सिंगल और विचारधारा क्या है ये लिखा रहे तो दोनों एक ही चीज़ रहेगा। ठीक है, आंसर आपको यही लिखना है, अमूल्यवादी विचारधारा या फिर रेडिकल विचारधारा मानव भूगोल में उल्लेखित कई विचारधाराओं में से एक है, जैसे कि इसका विकास 1970 के दशक में हुआ है। इस विचारधारा के अंतर्गत निर्धनता के कारण यानी गरीबी के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। इसकी अवधारणा है कि पूंजीवादी के विकास के कारण ही सामाजिक समस्याओं का उद्भव होता है। पूंजीवादी कहने का मतलब है प्राइवेटेशन, अगर प्राइवेटेशन का विकास होगा उसी के कारण ही सामाजिक समस्याओं का उद्भव होगा, जो भी समाज में समस्या है। आगे देखिए कुछ वर्ड आपको समझ में नहीं आएंगे तो उसको आप नोट्स क्रिएट कीजिएगा, रिविज़न कीजिएगा, याद हो जाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, नियतिवाद यानी इसी को आप निश्चयवाद भी बोल सकते हो, क्या है? यहाँ पर इसके आंसर को मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको शॉर्ट में इसके आंसर को बताऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ ना, वो कई बार मैंने ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में भी एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ, और वो सारे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, वो एग्जाम के दृष्टि से बिल्कुल भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस पेपर में था इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर, नियतिवाद ऐसी भौगोलिक संकल्पना है जो बतलाता है कि मनुष्य के सभी क्रियाकलाप यहाँ तक कि शारीरिक गुण भी प्राकृतिक वातावरण के तत्वों द्वारा ही नियंत्रित होता है। यानी समझिए, मानव का जो भी क्रियाकलाप है, चाहे आप सांस ले रहे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर ऑक्सीजन ले रहे हो तो आप पेड़ पौधों पर निर्भर हो, प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर हो ना। जैसे फैक्ट्री वगैरह में लकड़ी का सामान बनवा रहे हो तो वो भी प्रकृति से ही आपको मिला है। मानव का सारा काम, यहाँ तक कि शारीरिक गुण भी प्रकृति के द्वारा ही नियंत्रित होता है, इनके तथ्यों के द्वारा ही नियंत्रित होता है। आगे देखिए 9 नंबर, रेटजल के अनुसार मानव भूगोल क्या है? तो रेडजल के अनुसार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमको लग रहा है कि इस बार आ जाएगा, पिछले बार एग्जाम में नहीं आया था, इस बार दे देगा, 100% गारंटी है। रेडजल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। अब रेडजल के अनुसार बहुत सारे लोग इसको याद नहीं कर पा रहे, देखिए यहाँ पर कैसे याद करना है, यानी आपको लिखना सबसे पहले कि रेडजल के अनुसार मानव भूगोल जो है ना, वो मानव के समाजों और पृथ्वी तल के बीच, यानी पृथ्वी है ये और इसका तल मतलब ये जो धरती है, और मानव जो रह रहा है, मानव जो समाज रह रहा है, इन दोनों के बीच संश्लिष्ट रूप से अध्ययन करते हैं ना, उसी को ही रेडजल के अनुसार मानव भूगोल बोला गया है। कि मनुष्य प्रकृति का कैसे उपयोग करता है, उसका यूज़ कैसे करता है,
कैसे करना चाहिए, वही आपका मानव भूगोल है रेड जेल के अनुसार। आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन बैंक के, इस क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है, यहाँ पर तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भूगोल की दो शाखाओं के नाम लिखे, तो देखिए पहला आपका भौतिक भूगोल, दूसरा आपका मानव भूगोल। यहाँ पर अगर मुख्य रहता, ठीक है, और मानव भूगोल रहता, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, सॉरी मानव नहीं, यहाँ पर भूगोल ही है। तो भूगोल की दो मुख्य शाखाएं कौन सी है, क्रमबद्ध भूगोल और दूसरा प्रादेशिक भूगोल। और अगर भूगोल की शाखाएं सिर्फ पूछे तो यहाँ पर क्या उत्तर देना है, तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर एक भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन घूम सकते हैं और आप भी घूम सकते हो। आगे देखिए दूसरा नंबर, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा लुसियन फैब्रे ने। जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जियो का मतलब होता है ये आपका, ठीक है, पृथ्वी यानी धरती, और ग्राफी का मतलब होता है इसके बारे में वर्णन करना। जियोग्राफी शब्द का अर्थ है कि पृथ्वी का वर्णन करना, एक्सप्लेन करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फोन नंबर, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो यह पुस्तक आपका चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। पर्यावरण निश्चयवाद क्या है, प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश करना ही पर्यावरण निश्चयवाद कहलाता है, ठीक है। यानी पर्यावरण निश्चयवाद क्या हुआ, प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश करना पर्यावरण निश्चयवाद कहलाता है। छठा नंबर, राजनीतिक भूगोल के दो उपशाखाओं के नाम लिखिए, निर्वाचन भूगोल एवं सैन्य भूगोल, ठीक है, ये राजनीतिक भूगोल की शाखा है, पहला निर्वाचन भूगोल, दूसरा सैन्य भूगोल। आगे देखते हैं सेवन नंबर, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी, फ्रेडरिक रेटजेल ने। आगे देखिए एट नंबर, संभववाद क्या है, तो प्रकृति के नियम को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही संभववाद कहलाता है। नाइन नंबर देखिए, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो ग्रिफिथ टेलर है, ठीक है, ये अमेरिकन भूगोलविद्ता है। आगे देखिए टेन नंबर, मानव भूगोल में अध्ययन हेतु उपागम के रूप में मानवतावादी एवं व्यवहारवादी विचारधारा का आरंभ कब हुआ, 1990 के दशक में। आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा रेटजेल, कहाँ पर है ये आपका, फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है। आधुनिक मानव यानी आज के मानव भूगोल का, तो ये जो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए बूंद बूंद से दरिया भरता है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन क्वेश्चन से आपका मार्क्स भी भरेगा। इसी तरीके से मेहनत कीजिए, सेल्फ स्टडी तो बिल्कुल भी नहीं छोड़िए, यूट्यूबरों से आप आगे रहिए। अगर यूट्यूब में टीचर अगर एक चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं तो आप दो चैप्टर कंप्लीट करके रखिए ताकि यूट्यूब में आपका रिवीजन हो सके। ये कमांड अगर आप कर लेते हो तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता टॉपर करने से, याद रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।